हाय दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। आप जो हमारा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहे, आप जो बहुत ही कुछ आप सीख सकते हैं और समझ सकते हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। आइए हमारे स्क्रीन पर। हेलो नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं RCM रेड रोहित टेक्निकल। दोस्तों आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप कैसे बनाएंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप कैसे बनाएंगे आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ले दोस्तों, जो आप बहुत कुछ सीख सकेंगे दोस्तों। और आज हमें जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो के बारे में बताएंगे दोस्तों, हमें जो बहुत ही सारे वीडियो लाते रहते हैं, कोई भी सा सॉफ्टवेयर भी चाहिए दोस्तों तो आप हमारे पास कमेंट ज़रूर करें। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा दोस्तों, आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट ज़रूर करें मेरे पास, या कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, और आज हम बताते हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ये देखिए दोस्तों, राइट क्लिक करेंगे आप, आपका ये फाइल खुल जाएगी। ओके दोस्तों, और है जो आपके आपका जहाँ इमेज है आप वहाँ जाएंगे दोस्तों। इसका जो फ़ोटो लाने का दो तरीका है दोस्तों, एक यहाँ से भी क्लिक करके आप ला सकते हैं फ़ोटो, कोई भी सा फ़ोटो हो, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कोई भी सब फोटो इसे जैसे नीचे करके आपको, अभी मैं फोटो ला करके बताता हूँ। ये देखिए मैं इसमें गया। ओके दोस्तों, और उसके बाद मैं अपना इसमें गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फोटो रहा। ये देखिए, इसे राइट क्लिक करके रखना है और यूँ लाना है अब फोटोशॉप के ऊपर, ऐसे करके और ऐसे छोड़ना है। ओके दोस्तों, अब है जो इसके बाद है जो यहाँ जाना क्रॉप टूल्स में। ओके दोस्तों, और यहाँ है जो साइज रखना है, कितना mm, कितना इंच, क्या है नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हम है जो बता देते हैं साइज दोस्तों। तो इस पर है पैट पे, यहाँ पे लिखना है 33, उसके बाद स्पेस mm। ओके दोस्तों, और उसके बाद लिखना है हाइट में 43 mm। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम 43 स्पेस mm, और रिजल्ट में लिखना है आपको 3300। उसके बाद यह है जो यहाँ आपको इंच में करना है या सेंटीमीटर में करना है, तो हम है जो दोस्तों इंच में करेंगे। ओके ठीक है दोस्तों, हमने इंच में कर दिया है, और है जो यहाँ से क्रॉप करेंगे अब। ठीक है दोस्तों, तो ये देखें, इसे हम नाप लेंगे। सॉरी दोस्तों, गलत हो गया, हमारा साइज है सेम। ठीक है दोस्तों, ये देखे, इसकी हमने नाप अपना साइज कर लिया। ओके, और इसे जो आगे पीछे अपना कर सकते हैं, और इसे यहाँ सही का निशान है, ये भी दबा सकते हैं आप, इंटर भी दबा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, जैसे कि हमने ये दबाया, ये हमारा फोटो हो गया इतनी। ओके दोस्तों, और इसके बाद है जो आपको करना है, उसके बाद है दोस्तों कि देखें, कंट्रोल माइनस होगा आपके कीबोर्ड पे, माइनस का उससे माइनस से कम होता है जूम, फोटो मतलब छोटा हो जाएगा, और प्लस से जितना बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जितना आप बड़ा कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से बड़ा करके और स्पेस का बटन होगा वो दबा के नीचे ऊपर फोटो आप देख भी सकते हैं, ओके। और इसके बाद थोड़ा और हम छोटा कर लिए हैं जैसे दोस्तों, इसका जो हमारे को बैकग्राउंड है जो चेंज करना है, ओके दोस्तों। बैकग्राउंड चेंज करना है तो आपको हम बताते हैं। तो ये देखिए ये वाली टूल आप ले लेंगे, ओके। ये टूल ले लिया हमने, ओके। इसे देखिए यहाँ पे क्लिक करके ऐसे करके खींचते रहे खींचते रहे, ठीक है। तो जैसे कि देखिए हमारा ये टूल जैसे कि यहाँ आ गया, ओके। और है जो कंट्रोल जेड दबा दे तो वो पीछे हो जाएगा, ओके दोस्तों। तो इस तरीके से जो आप अपना फोटो ऐसे कटिंग कर लें, ये देखिए दोस्तों जैसे कि हमारे को गलत हो गया, ओके। जैसे कि देखिए यहाँ पर भी हल्का वाइटनेस आ गया ना दोस्तों। तो कंट्रोल ए जेड जितना पीछे करना है उतना पीछे होते जाएगा, ओके दोस्तों। तो ये देखते रहे, ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से कटिंग कर सकते हैं आप। इस तरीके से आप है जो कटिंग कर सकते हैं। कभी गलत भी हो जाता है तो बहुत ही पीछे, जैसे कि मान लिया हमारा यहाँ गलत हो जाए, ओके दोस्तों। यहाँ जैसे कि गलत हो रहा है या हो चुका है यहाँ पे दूसरा गलत, तो कंट्रोल ऑल्ट और जेड जेड दबाते जाए या पीछे आते जाए दोस्तों, ओके। तो ये देखो दोस्तों हमने पीछे भी आ चुके हैं। अब फिर यहाँ से हम कटिंग है जो करते हैं दोस्तों, और इसे है जो अपने हिसाब से गुलाई रखे जो लगे ना किसी का किसी को जो फोटो कटिंग किया हुआ है, ओके दोस्तों। तो इस तरीके से है जो हम देखे दोस्तों कटिंग करते जा रहे हैं इस तरीके से। इसे फोटो नीचे ऊपर करना है तो स्पेस बार दबाना है, स्पेस बार दबा करके नीचे ऊपर फोटो कर सकते हैं राइट क्लिक करके, ओके। तो ये देखिए दोस्तों किस कितना अच्छी तरीके से है जो कटिंग भी हो पा रहा है, बहुत ही मस्त हो रहा है कटिंग दोस्तों। ये देखिए और जो शिफ्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर ले, ये देखिए दोस्तों इस तरीके से है जो आप भी अपने लैपटॉप चलाए या पीसी चला रहे हो इस तरीके से है जो आप कटिंग कर लीजिए, ओके। इस तरीके से आप गोलाई भी कर सकते हैं, बहुत ही मस्त है ये देखिए दोस्तों। और इसका इस कटिंग के बाद ही है जो आपका ये चेंज हो पाएगा, जैसे कि इसको हमें और छोटा करना है फोटो, अभी हम बताते हैं दोस्तों। छोटा करना है तो कंट्रोल माइनस दबाए, ओके। देखिए छोटा हो गया फोटो, और है जो यहाँ क्लिक करें और सबसे नीचे जाए, सबसे नीचे हम आ गए, यहाँ क्लिक करें उसके बाद यहाँ क्लिक करें उसके बाद यहाँ, ओके। तो ये देखिए दोस्तों इतना अच्छी तरह से हो गया है ये कटिंग। और ये लेफ्ट क्लिक करके मैक सिलेक्ट पे क्लिक करें, ओके। देखिए मैक सिलेक्ट पे हो गया क्लिक, और जैसे कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा है, थोड़ा सा वाइट दिख रही है, ओके। तो इसको भी हम कटिंग कर देते, ये कटिंग करना बहुत ही आसान है इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से देखें, और जैसे कि देखिए हमने ये कर दिया है, और उसके बाद है जो कंट्रोल जे दबा दें, ओके दोस्तों। कंट्रोल जे दबा दिया हमने, इसे यूँ कर दिया, ठीक है। इस तरीके का फोटो हो चुका है, देखिए दोस्तों जैसे कि हमने ये कटिंग तो कर ही चुके हैं। और ऐसे इसका बैकग्राउंड,
तो ये देखे, ये इस पे ला करके राइट क्लिक करें। ओके, हमने राइट क्लिक किया और उसके बाद जैसे हमारे को रेड करना है, जो भी कलर करना है, जैसे कि देखिए हमारे को ये कलर करनी है, हम इस पे ला के यूँ छोड़ दिए। ओके, इस तरीके से हमने कर दिया। ये तो मैं बॉर्डर बनाया था इसके लिए ऐसे, ये देखें। तो ये देखो दोस्तों, जैसे कि हमने ये टूल लिया, आपको जो कलर चाहिए, ओके, आपको जो कलर चाहिए वो ले सकते हैं। आप यहाँ से चूज कर लीजिए आपको कौन सा कलर चाहिए, यहाँ से आप कलर बना भी सकते हैं। जैसे कि हमने ये कलर लेते हैं, रेड वाली कलर लेते हैं। ओके, हमने ये रेड वाली कलर ले लिया और यहाँ यूँ राइट क्लिक कर दिया इसको। ये देखिए दोस्तों कितना मस्त लग रहा है। ओके दोस्तों, और इसके बाद आपको करना है क्या, तो आइए देखिए दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों, अब तो ऐसे सिंगल फ़ोटो तो प्रिंट निकालेंगे नहीं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकालना है आपको, तो यहाँ जाए न्यू फाइल पे, और आपको कौन सा साइज कौन सा प्रिंटर आपको निकालना है, कैसे कौन सा सपोर्ट लेता है नहीं लेता है दोस्तों, जैसे कि देखिए A4 है, A3 है, ठीक है दोस्तों। जो सपोर्ट लेता है आपका प्रिंटर उस पर क्लिक करें, उस साइज से जितना आप फोटो निकालना चाहते हैं, कितना कॉपी करना चाहते हैं, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हमारा प्रिंटर है जो 4x6 का सपोर्ट लेता है, तो ये लीजिए दोस्तों, हमने सॉरी दोस्तों, यहाँ से मेरे को वाइट लेना था। वाइट, यहाँ से वाइट ले लीजिए, यहाँ देखिए वाइट बैकग्राउंड कलर ये ट्रांसपोर्ट में है, ठीक है। हमने 4x6 का लिया है, 4x6 का हमने सीट लिया है। आप है जो इससे भी बड़ी सीट ले सकते हैं अपना साइज अनुसार। ओके दोस्तों, और इसके बाद है जो आपको दोस्तों यहाँ से जो आप एक मूव टूल के बारे में बता दिए हैं, मूव टूल के बारे में भी इससे पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों। तो आप है जो इस फोटो पे यहाँ क्लिक करके ये मूव टूल पे क्लिक कर दें, और उसके बाद इसको उठा के डायरेक्टली आप यहाँ डालें। ओके, तो आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों साइज फोटो। दोस्तों उसके बाद करने का इस टूल्स पे आकर के ये डायरेक्टली यूं हमने रख दिया। ओके, हमने रख दिया है, ये देखे, इसे थोड़ा हम है जो जूम कर लेते हैं कि थोड़ा फोटो बनाने में आसानी होगी। ओके, तो इसे हमने थोड़ा जूम कर लिया है, ये देखिए दोस्तों, ये हमने कर लिया है। और इसके बाद करना है क्या दोस्तों, जैसे कि देखिए अब है जो हम बार बार तो नहीं, ये बार बार तो नहीं, इसको हम यहाँ से उठा के बार बार यहाँ हम डालेंगे, यहाँ से उठा के बार बार हम यहाँ डालेंगे, नहीं दोस्तों ऐसे। तो देखिए दोस्तों, आपको दबा के रखना है कंट्रोल ऑल्ट, और उसके बाद ये देखिए, ओके, ये हमने रख दिया, फिर कंट्रोल ऑल्ट, उसके बाद ये देखिए, ओके, फिर कंट्रोल ऑल्ट, उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये हम बना दिए। जितना लेयर जितना हम बनाते जाएंगे फोटो, उतना लेयर यहाँ बनते जाएगा, क्योंकि इसलिए लेयर बनते क्योंकि हमारा ये डुप्लीकेट बन रहा है, डुप्लीकेट। और है जो हमारा फर्स्ट मतलब ओरिजिनल फोटो है जो सेफ रहेगा, इसलिए यह है जो डुप्लीकेट बनते जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हमारे को गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए
हम फिर वहाँ से जो डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच सकते हैं दोस्तों। हाँ तो आप देखिए दोस्तों, फिर कंट्रोल एल्ट, फिर यहाँ पर लाए, फिर यहाँ छोड़े डायरेक्ट, फिर कंट्रोल अल्ट, फिर यहाँ लाए, फिर यहाँ छोड़े दोस्तों, फिर कंट्रोल अल्ट, सॉरी, ऐसे करके आप फोटो को बना सकते हैं, इसे बढ़ा सकते हैं पासपोर्ट साइज। ओके दोस्तों, ओके। तो इस तरीके से है जो आप दोस्तों अपना फोटो बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप सारा काम आप अपना कर सकते हैं पासपोर्ट साइज। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे जो इसको हम सेव करेंगे, सेव, ओके। तो सेव आपको कैसे करना है, कंट्रोल दबाएं, उसके बाद ए, उसके बाद एस, कंट्रोल ए एस दबाएंगे, उसके बाद अपना जो भी फाइल में आपको रखना है उस फाइल को सिलेक्ट कर लें, और यहाँ जो पीजेपीजी है यहाँ से लेके आप यहाँ फोटो का नाम रख लें, पासपोर्ट साइज, ओके। हमसे यहाँ से इंटर कर दिए, यह जो हमारा पासपोर्ट साइज फोटो सेव हो गया, जैसे कि आपको दिखाते हैं दोस्तों हम। तो पासपोर्ट साइज हमारा फोटो ये देखो दोस्तों, हमारा पासपोर्ट साइज फोटो, ओके। आप है जो इसको आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, ओके दोस्तों। तो इस तरीके से है जो आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पासपोर्ट साइज फोटो बन गया। देखिए काफ़ी हमारा वाइट वाइट चारों साइड से ये डिजाइन भी बन चुका है दोस्तों। तो आप भी इस तरीके से है जो आप अपना फोटो बना सकते हैं दोस्तों। और आज के वीडियो में बस इतना ही, अब इसके अगले वाली वीडियो में आपको हम सिखाएंगे किसी भी ड्रेस का कलर कैसे चेंज किया, जैसे कोई भी सा कपड़ा का कलर हम कैसे बदले दोस्तों। तो इसी के बारे में अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे, इसका लिंक हम अपने वीडियो के नीचे दे देंगे दोस्तों, आप वहां से डायरेक्टली जा कर के आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप लोग हमारे हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो आपके लिए कोई भी सा वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों, क्योंकि हम है जो बहुत ही सारे सॉफ्टवेयर एंड लैपटॉप एंड मोबाइल के बारे में भी बताते रहते हैं। जो अगर आपको पूछना है, नहीं समझ में आता है, तो आप हमें जो अपना नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप कॉल भी करके पूछ सकते हैं दोस्तों। या कोई अगर आपको अपने फ़ोटो पर कोई भी सा वीडियो बनवाना है तो आपका फ़ोटो हम लगा करके वीडियो बना सकते हैं दोस्तों, आप हमारा व्हाट्सअप नंबर वहाँ से ले ले दोस्तों, ओके। तो आप मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जो अच्छा अच्छा वीडियो आपके पास डायरेक्टली हम अपलोड करें तो पहुंच सके दोस्तों। धन्यवाद।